दहरिया जो खुदा का मुनकिर था हमारे छठे मौला के पास आया। आने के बाद अर्ज किया कि मौला क्या दलील है कि खुदा इस दुनिया में मौजूद है। उसका ये दावा था कि ये दुनिया खुद ब खुद चल रही है, कोई इसका चलाने वाला नहीं है। तो मौला ने उसकी तरफ देखा और अचानक मौला की एक बच्चे पे नजर पड़ी। मौला ने उस बच्चे के हाथ में अंडा देखा तो उस बच्चे को बोला कि अंडा मुझे दो। उस बच्चे के हाथ से अंडा मौला ने अपने हाथ में लिया और खिताब किया। वो आदमी जो आया था जिसका नाम अबू शाकिर दैसानी, इमाम ने खिताब करके फरमाया कि ये अंडा देख रहे हो, अगर तुम अकलमंद हो, अगर तुम्हारे पास इल्म और बुरहान है, तुम इस अंडे के जरिए से खुदा के वजूद तक पहुंच जाओगे। कि मौला वो कैसे? कहे इस अंडे के ऊपर एक मजबूत किला है, एक मजबूत किला है और इस किले के अंदर एक बारीक सा किला है, ना ही इसके अंदर कोई चीज जा सकती है और ना ही इसके अंदर से कोई चीज बाहर आ सकती, जो खबर दे अंदर क्या हाल है। फिर मौला ने फरमाया कि इसी के अंदर एक सोने का पानी है और एक चांदी का पानी है, ना ही सोने का पानी चांदी के पानी से मिलता है और ना ही चांदी का पानी सोने के पानी से मिलता है। और फिर यही अंडा, यही किला जब फूटता है तो इसी के अंदर से एक रंग बिरंगी परिंदा निकलता है जिसके मोर की तरह पर होते। अबू शाकिर दैसानी की तरफ खिताब किया कि ऐ अबू शाकिर दैसानी, क्या इन तमाम चीजों को देखने के बाद तुम्हारी अक्ल ये हुक्म नहीं देगी? आखिर कोई तो होगा जो इसे संभाले हुए है, आखिर कोई तो होगा जो इसके अंदर तमाम चीजें पहुंचा रहा है। अब आपको एक नुक्ता और बताऊं इसी अंडे के हवाले से। अच्छा, इस परिंदे की गिजा क्या है? जो अंडे में बच्चा है इसकी गिजा क्या है? जो आप सफेदी देखते हैं ना, चांदी का पानी, ये होती है इस परिंदे की गिजा। अब खुदा की तदबीर देखें, जितने दिन उस बच्चे को इस अंडे में रहना है उतने दिन की मकदार खुदा ने उसी अंडे के अंदर मुअय्यन की। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक बच्चे को, एक परिंदे को सांस की जरूरत होती है, नहीं होती है? अब इसे सांस कहाँ से मिलती है? क्या इस अंडे के अंदर सांस होती है, हवा होती है? आप अंडा उबालते हैं तो देखते होंगे एक साइड में हल्का सा गड़ा होता है, हल्का छोटा सा, उसमें होती है उस परिंदे के लिए सांस, हवा। कुर्बान जाओ खुदा तेरी कुदरत और हिकमत पर, ये सारी चीजें देखने के बाद कोई अकलमंद, कोई बाशऊर इंसान ये नहीं सोचेगा कि कोई तो है जो तदबीरों पे तदबीरें कर रहा है, कोई तो है कि जो हिकमतों पे हिकमतें अंजाम दे रहा है, कोई तो है जो इस बच्चे को गिजा पहुंचा रहा है, कोई तो है कि जिसने इस अंडे के अंदर इस बच्चे के लिए सांस रखी है, क्या बगैर किसी मुदब्बिर के होता चला जा रहा है? किसकी जरूरत है? इल्म की जरूरत है, शऊर की जरूरत है। अगर इल्म शऊर नहीं तो हमारी नजर इसके तरफ जाएगी ही नहीं। इल्म शऊर की जरूरत है। तो खुदा बंदे मुताल की मारिफत आप दुनिया के किसी भी चीज से कर सकते हैं, मगर ये कि आपको शऊर होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। अगर इल्म शऊर नहीं तो खुदा की मारिफत मुहाल है, मुश्किल है, बहुत सख्त है।